ओम शांति। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए एक बहुत सुंदर धारणा है समर्पण भाव, जिससे हमारा प्यार होता है, हम उसको अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। संसार में भी समर्पित भाव से जीने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जो समर्पित भाव से कार्य करते हैं वो बहुत उत्तरदायित्व तो संभाल लेते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। ईश्वरीय मार्ग पर जब हमने भगवान को जान लिया, जब हमें उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, प्यार के सागर का प्यार भरपूर कर दिया हमको, ऐसे प्यार में हम सर्वस्व समर्पित हो जाएं, जो तुम्हारी आज्ञा। हमने कहा था भगवान को, हे प्रभु, जब आप इस धरा पर आएंगे तो हम आप केवल आपकी ही सुनेंगे, आपकी ही मानेंगे। मनुष्यों की सुनते मानते तो युगों से आए, अब जब भगवान हमारे सम्मुख है, उसने परम शिक्षक बनकर संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, तो अब हमारे मन से यही निकले, जैसा तुम कहो, हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो हमारे लिए जिम्मेदार रहते हैं, हमें उनकी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, हम उन्हें संपूर्ण रूप से जानते चलें। भगवान के पास आ गए, उसने हमारी जिम्मेदारी ले ली, सोच ले वो हमारी जिम्मेदारी कितनी सफलतापूर्वक निभाएगा, वो हमें किस तरह निश्चिंत कर देगा। अगर भगवान को समर्पित होकर भी मन में चिंताएं रहती हैं, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम बाबा को पहचानते नहीं हैं। तो आइए संपूर्ण समर्पण कर दें, सब कुछ तेरा, मेरी बुद्धि भी तेरी और मन भी तेरा, मेरा हर कर्म भी तुम्हारे लिए। इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। बुद्धि समर्पित, मेरी बुद्धि तो ऐसा कहती है, बाबा तो ऐसा कह रहे हैं, ये नहीं। जब हमें पता है कहने वाला स्वयं भगवान है, तो मेरी बुद्धि ऐसी कहती है, ये प्रश्न कहाँ से उठ गया, मेरा मन तो ऐसे चलता है, नहीं, मन भी वैसे ही चले जैसे प्रभु की आज्ञा है। और बहुत सुंदर बात है, हम अपने हर कर्म को बाबा के लिए करें, अब मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है। जैसे एक व्यक्ति के सब कर्म उसके परिवार के लिए होते हैं, एक अच्छे अधिकारी के लिए उसका हर कर्म अपने मालिक के लिए होता है, ऐसे ही हम भी समर्पित हो जाएं, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, बिल्कुल आनंदित हो जाएं, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उसकी सेवा में हैं, चलें तो भी उसके लिए, देखें तो भी उसके लिए और उसको ही, सुनें तो भी उसको ही, प्यार करें तो भी उसको ही, सब कुछ तुम्हारे लिए। इसमें हमें परमानंद की अनुभूति होगी। तो आज सारा दिन हम समर्पण भाव अपनाएं, बाबा से बात करते रहें, बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ये मेरा घर, ये मेरा बिजनेस दुकान, ये सब तेरा, ये मेरा परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, सब तेरे, बहुत मजा आएगा, मैं भी तेरा। तो बाबा ऊपर से आवाज देगा, बच्चे मैं भी तुम्हारा, और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा, और मन परमानंद से भरपूर हो जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस साथ में करेंगे, तन दे दिया बाबा को, जैसे हम तन दे रहे हैं बाबा को, लो बाबा मेरा ये तन रूपी वस्त्र, और बच गई मैं निराकार आत्मा, बस केवल आत्मा,
और कुछ भी नहीं। तो आज सारा दिन इस तरह निराकार स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, हर घंटे में कम से कम एक बार, और सब कुछ तेरा, ये गुड फीलिंग रखेंगे। ओम शांति।